बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी सी वन न्यूज़ और मैं गुलाम मुस्तकीन प्रोग्राम टॉप टाइम के साथ। आज हम जिस शख्सियत की बात आपसे करवाएंगे, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, रहमानिया फाउंडेशन है, उनका हॉस्पिटल है रहमानिया हॉस्पिटल, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और सिटी कैश एंड कैरी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जनाब अल्ताफ हाजी अल्ताफ सैन को नाम देता हूँ। वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह की मेहरबानी। उन्होंने माशाल्लाह बहुत इस पे काम किया और तकरीबन 2006-07 से हमने ये रहमानी वेलफेयर फाउंडेशन बनाई और उसके बाद हमने कैबिनेट से ये मंजूर कराया कि हम एक हॉस्पिटल बनाए लोगों को फलाह के लिए, और हमने वो इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनाया। वो तकरीबन कोई 12-13 साल से चल रहा है और लोगों को हम वहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों का फ्री आँखों का ऑपरेशन भी किया जाता है। वो हम इंशाल्लाह ये वहाँ के लिए सहूलत है और जो हमारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने ये बनाया है। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि हम इसको और अच्छे डॉक्टर आए जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम लबॉरेटरी का भी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपको इसकी एक अच्छी खबर मिलेगी रहमानिया हॉस्पिटल के तरफ से। तो इसमें आपने बताया ऐसे ऑपरेशन है आपको का लबॉरेटरी भी आप कर रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है आप लोगों को इलाज के लिए? वहाँ पे इलाज के लिए तो सारी बात है, हमारी ओपीडी सुबह शाम चलती है और वहाँ पे लोगों का जो जो बीमारी होती है उसमें दवाई देते हैं उनको। तो इसके अलावा हमारे पास एक गैनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है लेडीज, वो भी इंशाल्लाह हमारे काम कर रही हैं। जो लोग गरीब लोग होते हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम रिलीव दिला देते हैं उनसे। तो सारी बात है कि इंशाल्लाह जो हमारे से होता है हम वो करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया रहमानिया हॉस्पिटल है, जैसे रहमानी फाउंडेशन के एहसास लहा है इसका, तो ये सिर्फ रहमानी बरादरी के लिए हॉस्पिटल है कि बाकी लोग भी वहाँ से इलाज करवा सकते हैं? नहीं, ये हमने इंशाल्लाह जो हमारा पहले से शुरू से ये एक ही इरादा है और एक ही मिशन है कि हमने लोगों की फलाह के लिए, इसमें कोई बरादरी इज्जत नहीं है। वो हमारी हॉस्पिटल में जो भी आएगा वो हमारे लिए अफजल होगा, किसी बरादरी से हो, वो किसी तबके से हो। जो इसमें क्रिश्चियन भी हैं जो हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन लेके जाते हैं, हमारे इलाके में 2-4 गलियां ऐसी हैं जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन बरादरी बैठी हुई है, तो वहाँ पे वो भी उसी तरह से आते हैं जैसे आम बंदा आता है, और मेडिसिन भी लेके जाते हैं और लोगों को इंशाल्लाह फायदा भी होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप सभी लोगों को फैसिलिटीज कर रहे हैं। तो ये इसमें जो नेक्स्ट आपके मिशंस हैं उस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लें कि उसमें क्या क्या आप इसमें आप और ऐड कर रहे हैं? ऐड तो मेरा तो इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम हमारे एक दोस्त हैं वो इस्लामाबाद से आगे है कोटा, वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। इंशाल्लाह मैं संडे को उधर जा रहा हूँ, तो वो हमें इंशाल्लाह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी हम काम करेंगे आपके साथ मिल के। वो इंशाल्लाह सेंटर जो के बंदों को यहाँ पे फ्री नहीं मिलता इंशाल्लाह वो भी फ्री देंगे इंशाल्लाह। सिटी कैश एंड कैरी के भी चीफ डायरेक्टर में नाज़रीन आई हैं, इनसे मौजूदा सूरत हाल पूछते हैं कारोबार की, इसी कारोबार है इनका जी। बताइएगा मुल्ला साहब के इस वक्त क्या सूरत हाल है कारोबार की? नहीं, असल में जो हमारी ब्रांच है इधर सिटी कैश एंड कैरी जाम रोड, ये 2-2.5 साल से हम काम कर रहे हैं। तो कोरोना की वजह से लोग तो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन गली बात है कि गवर्नमेंट जितना उनको हो सकता है वो दे रही है, हमको रिलीफ दे रही है। और बिजनेस तो गली बात है कि ये हमारा ग्रासरी का बिजनेस है, ये तो गली बात है जिसे चलते ही रहता है और माशाल्लाह ठीक है। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि ये हमारे साथ जो बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन गुजारी बात है कि लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी है, ज़रूरत ज़िंदगी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग कपड़े नहीं पहनते वो बाद में पहन लेंगे, लेकिन खाने पीने का जो है वो दो सिस्टम चल रहा ही है। इंशाल्लाह ये चल रहा है,
अल्लाह की मेहरबानी है। कोरोना के स्टार्ट से और अब तक क्या मुश्किलात पेश आई इस बिजनेस में? कोरोना जो आया है ना, वो तो सारी बात है कि पूरी दुनिया में कोरोना है, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में काफी कंट्रोल है, लोगों की दुआएं हैं अल्लाह ताला ने। सारी बात है कि हम ऐसे मुसलमान हैं तो हमारा अमान है कि जो कब्र जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, लेकिन इसमें परहेज भी करना चाहिए। जो ओपीडी जी गवर्नमेंट ने बताई हुई है जिसमें आप लोगों को मास्क पहने उसके बाद जो आपके पास कस्टमर आता है उनको सैनिटाइजर करें। सारी बात है ये फासले का ज्यादा हमने लोगों को कहा है, अगर हमें थोड़ा सा फासला रखे 3-4 फुट का। सारी बात है कि रश होता है किसी टाइम, वो थोड़ा सा कस्टमर भी जल्दी में होता है, लेकिन हम हमारी पूरे कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो हमारा तो अपना एक मिशन है कि हम आवाम को अच्छा सा अच्छा तकलीफ दें। जैसे कि कोरोना वजह से इस दफा इस वक्त दोनों ही भरपूर इसमें एक्टिव हुए हुए हैं, यानी कि इसमें कोरोना की वजह से जो मस्जिद है हमारी वो डाउन हुई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ मिला आपको या लोगों को, क्या सूरत आप बताएंगे गवर्नमेंट के बारे में? अच्छा है कि उन्होंने अच्छा रिलीफ देने में कामयाब हुए कि नहीं? गवर्नमेंट तो सारी बात है कि जितनी उनके पास गैस है वो करते हैं, सारी बात है उन्होंने किया भी है, मंगाया भी, तो सारी बात है हमारा शहर है वो टेस्ट में इंडस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए वो सारी बात है कि उनको उन्होंने मेरे ख्याल वो करेंगे कर रहे हैं, ये तो सारी बात है उनको पता होगा। लेकिन जो हमारा बिजनेस है ये तो सारी बात है हमारे साथ डीसीओ की मीटिंग होती है, पुलिस साहब की मीटिंग होती है, वो हमें सारी बात ये बताते हैं कि आप ऐसे करें, इतना टाइम दिया हुआ 9 से 7 बजे वाला टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सारी बात है कि लोगों को भी अवेयरनेस आ जाएगी कि जो हमारा बिजनेस है वो 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ही है, काफी टाइम है। इसमें ज्यादा बात है 10 घंटे हैं, आपके पास तो 2 घंटे शॉपिंग के लिए, तो 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे में आप शॉपिंग कर, अगर आप बिजी हैं तो एक जुमा आपके पास है, अगर वो संडे में है वो सारी बात है सैटरडे संडे उन्होंने छुट्टी ली है वो आप उसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सारी बात है काफी उन्होंने कोरोना के हवाले से लोगों को अवेयरनेस भी दी है और लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अल्लाह सर जैसे नेक्स्ट ईद इनकमिंग ईद है, बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद में लोगों ने काफी गैर एहतियाती काम किया और कोरोना को बढ़ा दिया गया था, तो अब लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बड़ी ईद आ रही है इसमें क्या एसओपीस लेंगे? इसमें तो सारी बात है ज्यादा सब लोग कुर्बानी के जानवर की खरीदारी में ज्यादा लगे रहते हैं, सारे मतलब शॉपिंग तो नहीं, औरतें तो नहीं जाती सर? नहीं नहीं, औरतें तो सारी बात है घर में रहती है, लेकिन वो तो शॉपिंग के लिए जाएंगी। नहीं, शॉपिंग भी वो सारी बात है कि अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि हमने शॉपिंग जो ना वो सब दुकानदारों ने अपना अपना एक सिस्टम बना दिया है कि उन्होंने जाते उनको मास्क भी बनाना है और अपने बंदों को भी कहना है। हमारे पास इंशाल्लाह जो है वो 25-30 लड़के जो हमारे मार्ट में वो हम उनको पूरा एक दिया हुआ है कि आप मास्क भी पहने और लोगों को जो बगैर मास्क के आते हैं उनको भी आप जो ना तकलीफ करें इंशाल्लाह वो हम अंदर ही नहीं आने देते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा इसमें एलिगेशन लगाया कि गवर्नमेंट ने कहा होगा कि आप बगैर मास्क के कस्टमर को नहीं आपने आना, तो हम इंशाल्लाह इसको बंदी कर रहे हैं। और ईद का हवाला है, ईद में भी इंशाल्लाह कोशिश होगी हम लोगों को अवेयरनेस देंगे इस बारे में कि आप अपने बच्चों को साथ ना लाएं, बुजुर्गों को ना लाएं, अगर ले आते हैं तो सारी बात है हम उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनको भी हम मास्क कहते हैं इनको भी बनाओ, अगर तो लोगों को अवेयरनेस ऐसी आती है वो खुद अपने बच्चों को मास्क बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी मौके जाते शॉपिंग करूँ हम खुद भी पहनते हैं अपने बच्चों को बनाते हैं, तो ये मेरे लिए तो मैं तो वहाँ को कहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और कोशिश करें कि घर से जितना आपने काम करना अपना काम करके और काम करके घर में आए बस। तो ये कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहना चाहिए लोगों को ईद पे भी, और ईद की जो शॉपिंग है उसको कम से कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए ताकि वो ऐसे जगह के कोरोना की मर्ज से है जो हम छुटकारा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे मुल्क में सारी बात है कि दूसरे मुल्कों जैसा हालात नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे ऐसा पेशेंट आता है या निकलता है वो वहाँ पे ही उनको लॉकडाउन कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बिजनेस भी चलना चाहिए
रोजगार की सारी बात है, हमारे मुल्क में ज्यादा तबका गरीब तबका है जो बहुत जो डेली बेस पे काम करता है, इसलिए हमारे मुल्क में ये बहुत मुश्किल है कि हम को दो तीन महीने के लिए लॉकडाउन कर दें और बंद कर दें। अगर किया है तो पहले तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया, वो अच्छा नहीं निकला, लोग हर किसी से मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, जाना पाक हमें इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाए। आखिर में हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को कोई अहम पैगाम देना चाहे तो वो जरा नाज़िर बताइए। अल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं सब अपने बहन भाइयों को और बुजुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ जब ईद आए अब तो ज़्यादातर लोगों के साथ मिलना जुलना थोड़ छोड़ कम करें, और ईद के दौरान आप कुर्बानी जरूर करें लेकिन उसके उसमें भी आप परहेज करें, क्योंकि सारी बात है कोरोना का मसला जो ना ये बहुत सीरियस मसला है। इसमें गवर्नमेंट तो सारी बात है जितना कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हमारे हमें भी ये जिम्मेदारी है कि हम इस पे ज़्यादा तवज्जो दें कि हम अपने हाथ साफ रखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने से परहेज करें और अपने घर में रहें ज्यादा, यही मेरा पैगाम है। और अगर हम हैं पाकिस्तान आए तो हम हैं, अगर हम हैं तो पाकिस्तान सारी बात है, हमारे बच्चे हमारे वजह से होंगे, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का सारी बात है, वो परेशानी तो होती है हर घर में, जिसका जाता है दुनिया से उसको तो पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, ये थे चीफ जस्टिस सिटी कैसे कैरी रहमानिया हॉस्पिटल फैसलाबाद मुल्तान साहब, उनसे बातचीत कर रहे थे हम कोरोना के हवाले से, मस्जिद के हवाले से और लोगों की हेल्थ के हवाले से। जरूर आपको पसंद आएगा, अगले प्रोग्राम करती है हमें जाने दीजिए। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।